आज हम एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी धार्मिक कथा से संबंधित है। मित्रों, हमारे पोस्ट में नए हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आज का धमाकेदार पोस्ट है धार्मिक कथा, क्यों अपनी ही बेटी के प्रति जागी ब्रह्मदेव की यौन लालसा। इस करनी के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को दी क्या सजा? क्या आपको मालूम है कि सृष्टि के रचयिता कहे जाने वाले ब्रह्मा जी के मन में अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद उनकी बेटी सरस्वती को अपने पिता के मंसूबों के बारे में पता चल गया और वो ब्रह्मा जी से छिपने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में छिपने लगी। लेकिन आखिर में उन्हें ब्रह्मा जी से शादी करनी पड़ी। मगर सवाल ये है कि सृष्टि के रचयिता के अंदर अपनी पुत्री के प्रति ऐसी लालसा क्यों जागी? जैसे कि आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि इस सृष्टि की बागडोग त्रिदेव के हाथों में है, जहां ब्रह्मा जी के कंधों पर सृष्टि की रचना का दायित्व है, वहीं विष्णु जी के पास संरक्षण का दायित्व और भगवान शिव के पास विनाश का दायित्व है। जब सृष्टि का विनाश होता है तो उसके बाद सृजन का चक्र दोबारा शुरू होता है। इस चक्र को शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इस बात का वर्णन सरस्वती पुराण में किया गया है। जब ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी, दरअसल सरस्वती माता की कोई माँ नहीं थी, उन्हें ब्रह्मा जी ने केवल अपने वीर्य से जन्म दिया था। विद्या की देवी कही जाने वाली सरस्वती दिखने में बेहद खूबसूरत थी और आकर्षक भी। अब इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरस्वती इतनी खूबसूरत थी कि खुद उनके पिता भी उनसे शादी करना चाहते थे। अपने पिता के मंसूबों को सरस्वती भांप चुकी थी, यही कारण था कि वो उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपती रही और अंत में सरस्वती आकाश में जाकर छिपी, जहां से उन्हें ब्रह्मदेवा के पांचवें सिर ने धूल निकाला। आखिर में सरस्वती को विवश होकर अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी और इसके बाद सरस्वती और ब्रह्मा जी ने करीबन 100 वर्षों तक पति पत्नी की तरह एक जंगल में जीवन व्यतीत किया और इस दौरान उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था स्वयंभू मनु। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में जन्म लेने वाला पहला इंसान मनु ही था और मनु ही सनातन धर्म, वेदों और संस्कृत भाषा का जनक था। अब अपनी ही पुत्री से आकर्षित होना और संभोग करने की लालसा रखने के कारण सभी देवी देवता ब्रह्मदेव को एक दोषी की तरह देखने लगे, जिसके बाद सभी देवगण महादेव के पास पहुँचे और उनसे आग्रह किया कि वह ब्रह्मदेव को अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा रखने के लिए दंड दे। ये वाक्य सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव के पांचवें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। इस बात का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है कि ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर हुआ करते थे, लेकिन 5वें सिर को शिव जी द्वारा उनके धड़ से अलग कर दिया गया था। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मदेव का 5वां सिर ही इसलिए काटा गया क्योंकि 5वें सिर से ब्रह्मदेव ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से संभोग करने के लिए कहा था, जिसके बाद क्रोधित होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपका ये मुख सदैव अपित बातें करता है और यही वजह है कि आपकी सोच भी विपरीत हो जाती है। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काटने के पीछे एक और कहानी काफी प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार भगवान शिव पार्वती माता को दूरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। अब जैसे भगवान शिव वहां पहुँचे, ब्रह्मा जी के सभी मुखों ने भगवान शिव का अभिवादन किया, लेकिन ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव का अभिवादन नहीं किया और अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दिया। ऐसे में भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मदेव का वो 5वां सिर ही उनके धड़ से अलग कर दिया।
तो आज के लिए इतना ही, अब हम चलते हैं। फिर मिलेंगे कल नई पोस्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।